जो लोग कहते थे यही है जन्नत, वो झूठ नहीं कहा करते थे। दोस्तों, गुलमर्ग का अर्थ है फूलों की वादी। क्या हो गया सर जी? ये गाड़ी यार पूरा फिसल गया यार। इधर से फिसल गया ना? सुनिए ना, अगर बहुत ही ठंड हो गया यार। गुड मॉर्निंग गुलमर्ग। आज हमारा सेकेंड डे। हम कल टेलमर्ग ना टंगमर्ग में हम स्टे किया नीचे, और फिर से आज जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। अभी 9:30 बज रहे सुबह के, हम जल्दी जा रहे हैं। कल हमारा गंडोला राइड मिस हुआ था, आज हम जाएंगे गंडोला राइड करेंगे ना। कैसे कैसे प्लान है अभी? कल क्या था, 10 से लेके 4 बजे तक था टाइम टिकट का। हाँ, तो 3 बजे तक किया उन्होंने, तो उसकी वजह से हमें नीचे आना पड़ा क्योंकि उधर रूम नहीं मिलते। अगर आप कभी भी गुलमर्ग आ रहे हो, एक बात का ध्यान रखिए कि आप बुकिंग पहले करवाइए, क्योंकि आपको बाद में ऐसे आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि आप वो होटल वालों के पास रूम मांगोगे, वो अपनी मर्जी से पैसे आपसे वसूल लेंगे। वो बोलेंगे 20,000 एक रूम का, 25,000 ऐसा, मतलब ऐसा चलेगा। तो और होटल से होटल भी ज्यादा होटल की, हाँ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बुक होते हैं। ठीक है, तो आज हम जा रहे हैं मतलब ऊपर गुलमर्ग में गंडोला राइड करेंगे आज और खूब इंजॉय करेंगे। हे गाइस, हम कल गए थे गुलमर्ग में तो हमारी गंडोला राइड मिस हुई थी, तो इसलिए हम फिर से जा रहे हैं आज गुलमर्ग के लिए। तो हम रात में रुके थे टंगमर्ग में, तो टंगमर्ग में हमें एक छोटा सा रूम लिया था, वहाँ हमने स्टे किया। फिर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी से निकल रहे। तो टंगमर्ग टू गुलमर्ग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में आप कवर कर सकते हो। तो हम जा रहे अभी गुलमर्ग के लिए। क्या हो गया सर जी? ये गाड़ी यार पूरा फिसल गया यार। इधर से फिसल गया ना? सुनिए ना, अगर आपके पास कुछ रस्सी वगैरह है तो हम हेल्प कर देंगे। इधर बांध के गाड़ी की, मैं कब अंदर है उनको बाहर निकाल दो। नहीं तो यहाँ तक। हाँ जी सर। देखिए अगर है रस्सी तो पूरा स्लिप हुआ है। यहाँ पे फोन भी नहीं चल रहा। क्या करें हम, ट्रैफिक हो जाएगा। चलो बैठ रहे। सुबह हम जल्दी निकले थे इसलिए सुबह सनराइज क्या मस्त दिख रहा था। और ये 14 किलोमीटर का रोड ट्रिप मानो जन्नत। आजू बाजू पूरे बर्फीले पहाड़, पाइन के पेड़ और हमारी रोड ट्रिप। काफी मजा आ रहा था गुलमर्ग जाने के लिए, और ये ऐसा लगता है कि ये रोड ट्रिप कभी खत्म ही ना हो। सुबह के 10 बज रहे और हम बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि हमें बहुत जल्द आना ही था, क्योंकि हमें अभी गंडोला राइड का मतलब टिकट्स वगैरह कलेक्ट करेंगे फिर हम राइड कर पाएंगे, इसलिए हम जल्दी आ गए यहाँ पे। लेकिन काफ़ी ठंड है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आके हम ब्रेकफास्ट करने वाले, तो फिर हमने किया अभी मैगी ऑर्डर। सुबह आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट के लिए मैगी और चाय कॉफ़ी, ये पैटीज, ये कश्मीरी नान, ये पैटीज है, यहाँ पे ब्रेड है, आपको ये सुबह यही मिलेगा। ओके, कल हम थोड़ा सा लेट आए थे, काफी भीड़ थी, अभी थोड़ी सी कम लग रही है। एक्चुअली हमें कल हुआ था लेट, इसलिए हम अब जल्दी से निकल रहे हैं टिकट काउंटर तक, क्योंकि आज भी मिस ना हो जाए हमारा गंडोला राइड यार, है ना प्रिया? हाँ। गंडोला राइड कल हमने जो गलती की वो आज नहीं करना चाहते, इसलिए जल्दी से जाके टिकट कलेक्ट की और फिर गंडोला राइड की तरफ निकल गए। तो ये रही हमारी गंडोला राइड की टिकट्स, जो कि हम जाने वाले फेज वन में, और टिकट प्राइस है 740 रुपीज। फेज टू जाने के लिए अलग सा प्राइस होता है, वो लगता है 900 रुपीज। एक्साइटेड? यस, एक्साइटेड। वो भी 31st है आज, तो आज फुल एंजॉय। आ
अलावे कितना किलोमीटर जाना है हमें? 2 and half. ओके सर, इट्स अ राइड ऑफ 9 to 10 minutes. It's only 9 minutes, but sometimes it take a time. Okay, okay. हम अभी phase 1 जाएंगे. Yes sir. उसके बाद phase 2 भी कर सकते वहाँ से. Why not? Okay, thank you sir. It's up to you. The more you enjoy, you will get it. Yes. And we are crossing through the pine trees. Okay. Pine trees, yeah. Yes. This is pine trees, right? Yes. Okay. These remains evergreen throughout the year. Throughout the year. Okay. Yeah. In summer season also? Yeah, summer, I mean... Means in winter season it's difficult to like... No, not difficult. Green. No, just because, look at... Because of snow. Yeah, but little bit change. Okay. Aapka naam? Altaf. You are not carrying... Nice meeting you. No. You so actually, hum log ke friends hai. They are from Udhampur, Jammu. Okay. They are local. So from you guys, we are from Pune. Pune, Maharashtra. I know. He's a YouTuber. Okay. That's the reason he is, just promoting his own channel. I'm just kidding you. ये पकड़ हाथ में दोनों का सामान हमेशा ओके हर टाइम जब भी इंसान इसमें बैठे कहीं भी पहले सामान को नजर ओके ये आपका फर्स्ट फेज है जिसे कंगडोरी के नाम से बुलाते ओके जैसे ही हमने गंडोला राइड पूरी करके गुलमर्ग के धरती पर पैर रखा और देखते ही वो नजारे जो लोग कहते थे यही है जन्नत वो झूठ नहीं कहा करते थे दोस्तों गुलमर्ग का अर्थ है फूलों की वादी वेलकम टू गुलमर्ग फाइनली हम तो यहाँ पे अभी पहुंच गए यहाँ पर आते ही क्या अच्छी धूप लग रही है यार और यहाँ का नजारे पूरे बर्फीले पहाड़ कैसा फील हो रहा है और जो भी अभी जो गंडोला राइड किया ना हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार बहुत ही अच्छा देखो यहाँ पे अभी बहुत सारे राइड है यहाँ पे राइड भी करेंगे हम आराम से अभी ये जो फेज टू है मतलब ऊपर जा रहे जो है जी सर जी ये 16,000 फीट पे जा रहा है अच्छा हाँ टॉप इस वक्त आप 10,500 फीट पे खड़े हैं ओके 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 16,000 फीट पे हाँ अभी 10,000 फीट पे जी सर मैं आगे आगे निकल आया और प्रिया गिर गई उधर गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दी मौसम के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटन आते हैं यह है असली कश्मीर का मजा I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. ठंड लग रही है पैरों को जूते निकाल के थोड़ा लेट गए यहाँ पे बहुत ही ठंड हो गए यार यहाँ पर आपको बहुत सारे राइड करने को मिलेंगे उसमें से हमने स्नो मोबाइल राइड की जिसका पैकेज 1000 से चालू होता है अगर आप ज्यादा किलोमीटर करना चाहते हो तो आपका पैकेज बढ़ेगा लाइक 1500 2000 3000 तो हम अभी जा रहे हैं स्नो राइड पे स्नो मोबाइल स्नो बाइक है यहाँ से निकल रहे हैं ठीक है
गुलमर्ग में आओ यहाँ पे और स्नो बाइक ना किया तो क्या किया यार, बहुत ही मजा आ रहा है। अभी हम यहाँ से अभी चलाएंगे, मतलब अभी उन्होंने मतलब चलाया था, गाइड चलाते फिर हम अभी चलाएंगे। कभी देखा नहीं था कश्मीर, आज देख लिया इन आँखों से। यहाँ की वादियाँ, यहाँ के बर्फीले पहाड़, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं और यहाँ के बहुत सारे राइड्स, ये सब मेमोरीज लेके हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। आप भी कभी विजिट करो जन्नत कश्मीर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मतलब आज का दिन इतना ग्रेटफुल था यार, मतलब कभी भूल नहीं सकते। मतलब इतनी ब्यूटी आपको कहाँ मिलेगी, तो यही मिलेगी, जन्नत है यार, जन्नत। बाकी टाटा बाय बाय गुलमर्ग, यहाँ से निकलेंगे सीधा श्रीनगर।